पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड में आपका जो है नाम गलत हो गया या तो आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया या तो जो भी आपका गलत हो गया आप जो है नाम में कैसे करेक्शन कर सकते हैं जैसे कि नाम में स्पेलिंग गलत हो गया या तो और कुछ गलत हो गया जैसे कि सरनेम में कुछ गलत हो गया तो आप उसको किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं तो वीडियो को आप फटाफट से लाइक कर देना और लाइक करने के साथ साथ चैनल भी पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके ज़रूर से पेश करना चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप लोगों को बताते हैं किस प्रकार से आप उसको आप चेंज करेंगे कैसे करेक्शन करेंगे पूरी जानकारी बताने वाले हैं तो आप किसी ब्राउजर को ओपन करेंगे ओपन करने के बाद दोस्तों सर्च बार में आपको टाइप करना है यू आई डी ए आई टाइप करना है जैसे टाइप करेंगे दोस्तों इस साइट पर आप पहुंच जाओगे इस साइट पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट में एक आपको लिंक दिखेगा लिंक पर आपको क्लिक करना है लिंक पर जैसे फर्स्ट वाला लिंक पर क्लिक करेंगे आपको दोस्तों यू डी आई के ऑफिशियल साइट पर पहुंचाया जाएगा तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है नेट स्लो होने के कारण ये जो ओपन नहीं हो रहा है तब तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके आ जाओ ओपन हो रहा है थोड़ा देर वेट करते हैं वेट करने के बाद दोस्तों साइड पर पहुंच जाएंगे देखिए हमने साइड भी पहुंच गया थोड़ा नेट स्लो था इसी कारण से जो है यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ रही थी तो यहाँ पर हमें करेक्शन करना है तो यहाँ पर करेक्शन करने के लिए दोस्तों कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है क्या करना है देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दिखा रहा है गेट आधार और सेकंड में यहाँ पर अपडेट आधार तो अपडेट आधार पर यहाँ पर है जो है दोस्तों क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आप आधार कार्ड में अपडेट अपडेट कर सकते हैं अपडेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को अपडेट डेमोग्राफी दे, डाटा चेक स्टेटस यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है और जो है दोस्तों यहाँ पर, पर अपडेट आधार एनवायरमेंट अपडेट सेंटर यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है तो आपको अपडेट करना है तो किस प्रकार से अपडेट करेंगे चलिए विस्तार से आप लोगों को बताते हैं लॉगिन पे क्लिक करोगे दोस्तों इस साइड पे आप पहुंच जाओगे इस साइड पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है और बहुत सारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करना है चलिए विस्तार से आपको बता देते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारा है यहाँ पर जो सो सब ऑप्शन के बारे में बताने लगो तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने आधार कार्ड में अपडेट कराना है तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार अपडेट ऑनलाइन क्लिक हेयर टू अपडेट द नेम डी जेंडर एड्रेस एंड लैंग्वेज डाटा ऑफ योर आधार इस पर क्लिक कर देना है इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे दोस्तों आपको इस साइट पे पहुंच जाएंगे और इस साइट पे यहाँ दोस्तों देख सकते हैं मैंने जो है पहले से अपडेट करने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर जो है आपको मैं जो है एक बार डिलीट कर देता हूँ अपने डाटा उसके बाद फिर से अपडेट करता हूँ चलिए मैंने अपने डाटा डिलीट कर दिया उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपडेट आधार अपडेट आधार ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ जैसे ही क्लिक करता हूँ दोस्तों इस साइट पे मैं पहुँच जाऊँगा और इस साइट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ प्रोसीड टू अपडेट आधार इस पर क्लिक कर देते हैं इस पर जैसे ही क्लिक कर देते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर एक जो है मिस्टेक नहीं करनी है और कौन सा मिस्टेक है क्या मिस्टेक है अगर एक स्टेप भी यहाँ पर मिस कर जाते हैं दोस्तों तो आपको बहुत बड़े नुकसान का जो है सामना करना पड़ सकता है और जो है यहाँ पर दोस्तों अगर आप आधार में अपडेट कराना चाहते हैं आप लोग तो होशियार हैं समझ सकते हैं आप लोगों को जानकारी है आप लोग पढ़े लिखे हैं आप लोग जान सकते हैं लेकिन दोस्तों 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 आपको बता दें यहाँ पर जो है मैं कुछ बातें ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको जो है जिंदगी भर याद रखनी है अब कौन सी बातें हैं क्या है आपको ध्यान में रखना है चलिए विस्तार से बताते हैं आप लोग सबसे पहले यहाँ पर आप नेम में करेक्शन कर रहे हैं दोस्तों नेम में अगर आप करेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बता दें कि दो ही बार आप दो ही बार यहाँ पर जो है आप करेक्शन कर सकते हैं जिंदगी में दो ही बार करेक्शन कर सकते हैं और जो है दोस्तों यहाँ पर अगर आप जो है कुछ भी मिस्टेक कर तो जाते तो तो हैं जैसे आप नाम में करेक्शन कर रहे हैं और जो है एक बार हो गया दो बार हो गया एक बार दे सकता है आपको दो बार दे सकता है लेकिन दोस्तों मेरे को पर पर दो टाइम मैंने कभी करेक्शन नहीं किया इसी कारण से दो बार यहां पर करेक्शन करने का ऑप्शन दिया है अगर आपको एक बार दिया है आप करेक्शन कर रहे हैं और करेक्शन करते वक्त भी आप फिर से एक बार और क्या होता है कि आप जो है मिस कर जाते हैं कुछ भी स्पेलिंग मिस कर जाते हैं और जो है आपका जो टाइम जो है खत्म हो जाता है तो आप जो है तिबारा तीसरा बार आप करेक्शन नहीं कर सकते उसी प्रकार से दोस्तों यहां पर डेट ऑफ बर्थ में एक बार जो है ऑप्शन दिया गया है और जेंडर में यहां पर दोस्तों जेंडर भी एक बार करेक्शन कर सकते हैं एड्रेस की तो लिमिट नहीं है एड्रेस आप कई बार मान लो एड्रेस आप दूसरे एड्रेस पर रहते है। हैं आज दूसरे एड्रेस रहिए उसके बाद दोस्तों दो महीने बाद तीसरे एड्रेस पर रहे तो आप जो है एड्रेस में कई बार चेंज कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहां पर जो है आपको नेम में दो बार डेट ऑफ बर्थ में एक बार और जेंडर में एक बार ये दोनों में एक एक बार यहां पर दो बार दिया गया है तो इतना बार आप चेंज कर सकते हैं तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि आपको सहेज से फिल कर है जो भी आप चेंज करना चाहते हैं सही से उसको फिल करना है और सही से फिल करने के बाद दोस्तों आपको अपडेट करना है तो हमें हाँ मान लो एग्जाम्पल के तौर पर नेम में करेक्शन करना है तो नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने तीन स्टेप आ जाएगा तो तीन स्टेप में आपको बता देते हैं सबसे पहले आपको जो है नाम को करेक्शन करना है तो यहाँ पर नेम में करेक्शन करना है उसके बाद उसका प्रिव्यू देखना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पेमेंट करना है तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों अगर नाम में करेक्शन करना है तो यहाँ पर नाम पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर जो भी नाम डालना है यहाँ पर उसको नाम को डाल देना है और डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी नाम है आपका वो नाम जो है टाइप करना है टाइप करने के बाद दोस्तों आपको प्रिव्यू देख लेना है प्रिव्यू देखने के बाद दोस्तों आपको कोई भी मतलब स्पेलिंग गड़बड़ लगती है कुछ भी मिस मिस लगता है तो आप उसको प्रिव्यू देख के फिर से उसको एडिट कर सकते हैं उसके बाद थर्ड ऑप्शन पर आता है दोस्तों यहाँ पर पेमेंट जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे दोस्तों तब तक आपका आधार कार्ड नहीं सुधरेगा मतलब जो है साफ़ है कि आप पेमेंट जब तक नहीं करेंगे पचास लोग पेमेंट करना पड़ता है फिलहाल मैं कोई भी नाम में चेंज करना नहीं चाहता अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कीजिए कोई दिक्कत होती है तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए तो यहाँ पर जो पेमेंट करने के बाद आपका आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगा और अपडेट होने के बाद दोस्तों आपको जो है आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और जो है बता दूँ यहाँ पर पेमेंट करना अनिवार्य है अगर पेमेंट कर करने में कोई दिक्कत आती है तो हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर पेमेंट आप नहीं करेंगे तब तक आपका आधार कार्ड नहीं सुधरेगा तो आप पेमेंट कीजिए और पेमेंट करके अपना आधार कार्ड पे कोई भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कीजिए तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों तो को पसंद आएगा पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना अगर मन में भी कोई सवाल हो रहा हो तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताना चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए खुद रहो सलामत रहो